हाँ तो फिर दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा होगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों कुछ दिनों पहले ना रियलमी ने लॉन्च किया था रियलमी का U1। यार जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ ना, एकदम से तहलका मच गया। इसमें P70 मिलता है, 25 मेगापिक्सल का कैमरा। फिर एकदम से रिव्यूज़ आए कि ये जो है एक बकवास फ़ोन है, ये अच्छा फ़ोन नहीं है। अब आप लोगों ने मेरे से पूछा कि ये फ़ोन कैसा है। देखो भाई लोग, मैंने इसे खुद के पैसे से परचेज़ किया, कोई भी ये रिव्यू नोट नहीं है, तो आपको बिल्कुल सही बताऊँगा 15 से 20 दिन यूज़ करने के बाद ये फ़ोन है कैसा। ओवरऑल हर चीज़ को मैं इंक्लूड करूंगा, बस एक ही रिक्वायरमेंट है, अगर हो पाया तो वीडियो को पूरा देखना। मैं समझता हूँ कि आप मिडिल क्लास आदमी हो, आपने एक ही बार फ़ोन में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप एक बार पूरा देख लोगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों मैं हूँ साहिब और आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल टेकी ट्विक्स देख रहे हो। चलिए फिर रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आप इस स्मार्टफोन में नोटिस करोगे वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जैसे ही आप इस डिवाइस को हाथ में पकड़ोगे ना, आप इसकी बैक को एडमायर करोगे। आप जितने मर्जी लोगों को दिखा के पूछ लीजिएगा कि इसकी बैक है ना, जो पूरी की पूरी ग्लास जैसी फिनिश देती है, बहुत स्टाइलिश है, बहुत रिफ्लेक्टिव है, बहुत शाइनी है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है। हालाँकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ग्लास जैसी फिनिश देती है क्योंकि रियलिटी में ये पॉलीकार्बोनेट है। अगर यहाँ पर कोई शार्प ऑब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाएंगे। जो साइड्स है डिवाइस की वो भी प्लास्टिक से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर मेटल का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। इसलिए ये डिवाइस तो है काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड तो किया गया, बट उतनी प्रीमियम फील नहीं देता जो इसके कॉम्पिटिटर देते हैं। उसके बाद जो जिस चीज़ से मैं एक्चुअली में काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ वो है इसके बटन्स। इसके जो बटन्स की टैक्टाइल फील है वो काफ़ी एवरेज है, वहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकती थी। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा डिवाइस के वेट के बारे में, वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओवरऑल जो डिवाइस की इन हैंड फील है वो अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता, बट देन अगेन एक सॉलिड डिवाइस है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में इसकी रेटिंग की बात करूँ तो 7.5 नंबर दूंगा इसे 10 में से। और दोस्तों जब हम Realme U1 की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको फिर से 6.3 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बजट में सिर्फ यही एक स्मार्टफोन है जिसमें हमें वो ड्यू ड्रॉप या टीयर ड्रॉप जो भी नॉच देखने को मिलती है, वो नन्नी मुन्नी सी नॉच काफ़ी देखने में स्टाइलिश लगती है, काफ़ी मॉडर्न लगती है। अगर मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ ना, तो यार इसके कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी नेचुरल है, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन बहुत ही पॉइंट पर है, ओवर सैचुरेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, जो कि अच्छी है। ओवरऑल आपको कलर्स काफ़ी अच्छे होंगे इस डिस्प्ले पर। उसके बाद अगर मैं इसके व्यूइंग एंगल्स की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर भी कोई भी जो है इशू नहीं है। ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, एडिक्वेटली ब्राइट बोलूँगा, अगर आप सनलाइट में भी इसे देखोगे तो आपको कोई भी इशू वहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद जो इसका वाइड वाइन लेवल है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने अमेजोन प्राइम और या फिर नेटफ्लिक्स को फुल HD में देखना है तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होगा 540p तक। यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगा कि यार डिस्प्ले की क्वालिटी तो अच्छी थी, बट हाँ अगर वाइड वन लेवल 1L1 हो जाता तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। अगर आप YouTube या मूवीज़ देखना चाहो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। और अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो 8.75 रेटिंग होगी 10 में से। उसके बाद बात करते हैं Realme U1 के परफॉर्मेंस की। जहाँ पर परफॉर्मेंस की बात होगी वहाँ पर प्रोसेसर की बात करनी पड़ेगी। MediaTek Helio P70 इसमें प्रोसेसर जो है यूज़ किया गया है, और माली का G72 MP3 GPU। अगर मैं इसे P60 से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर क्लॉक स्पीड्स में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। ये डिवाइस हमें 3GB और 4GB रैम ऑप्शन में मिलता है, 32 या फिर 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि Realme के सभी स्मार्टफोन्स में हमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड की जगह मिल जाती है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना Realme के स्मार्टफोन में गेमिंग की, तो यार यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इंप्रेस था। अगर मैं बात करूँ इसकी पबजी में परफॉर्मेंस की, तो आप HD सेटिंग्स में खेल सकते हैं और फ्रेम रेट काफ़ी बढ़िया था इस गेम का, मुझे कोई भी इशू नहीं आई खेलने में। HD हाई में मैं खेल रहा था, बड़े ही आराम से प्ले हो रही थी, कोई करेक्टर मूवमेंट की दिक्कत नहीं है। और क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले और साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, तो आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, पबजी जैसे गेम्स में भी ओवरऑल कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं एसफाल्ट या फिर होर हैवी गेम्स की बात करूँ तो ये आराम से हैंडल कर लेता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हैवी गेमिंग के बाद भी ये स्मार्टफोन ओवरहीट नहीं होता है, नॉर्मल स्मार्टफोन्स की तरह सिर्फ वार्म होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके यूज़र इंटरफेस की,
यार देखो, यूजर इंटरफेस एक ऐसा एरिया है जो कि रियलमी के स्मार्टफोन्स में 90% से ज़्यादा लोगों को बहुत दिक्कत आती है। देखो भाई, कलर ओएस जो है काफ़ी एक अच्छी यूज़र इंटरफेस है, मैं मानता हूँ, बट उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा नहीं है, उसे जैसे इंप्लीमेंट किया गया वो अच्छा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। अल्टीमेटली जो स्मार्टफोन्स है वो डिज़ाइन किया गया हमारा टाइम सेव करने के लिए, बट ये जो यूज़र इंटरफेस है ये ना थोड़ा सा अजीब सा ही है, थोड़े वियर्ड फीचर्स हैं। हाँ, इसमें बहुत ही यूज़फुल फीचर्स भी है, काफ़ी अच्छा काम भी किया यहाँ पर रियलमी ने, बट हाँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा नीचे बता देना। ऑल दो यूज़र इंटरफेस में ये स्मार्टफोन काफ़ी फास्ट है, हैंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में इसकी रेटिंग की बात करूँ तो वो होगी 8.75 10 में से। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया की, वो है इसकी कैमरा क्वालिटी। Realme U1 में आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है f2.2 के अपर्चर के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, f2.2। अगर इसकी मैं डेलाइट पिक्स की भी बात करूँ ना रेयर कैमरा से, तो यार मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि इस डिवाइस ने अपने लिए इतने अच्छे स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं। Realme एक ऐसा ब्रांड बन गया जिससे हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, और अगर मैं बोलूँ ना कि ये डिवाइस की रेयर कैमरा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि डे लाइट में भी ये जो कैमरा है वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करता है। इसके जो कलर रिप्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही बेकार है मेरे ओपिनियन से। अगर आप किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ की फोटोग्राफ क्लिक करते हो तो यार देखो, कई बार पता क्या होता है कि हाईलाइट्स ग्लो हो जाती हैं, कई बार इसके सैचुरेशन लेवल ज़्यादा होता है, कई बार शेडोज आ जाती है, यानी कि ना अलग सी कलर रिप्रोडक्शन है, हरे रंग को तोता रंग का बना देता है, कई बार ब्लू को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। मैं लो लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं नॉर्मल डे लाइट फोटोज़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके कंपटीटर जैसे रेडमी नोट 6 प्रो, इसका अपना भाई रियलमी 2 प्रो, वो डे लाइट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता है इस डिवाइस से। हालांकि रियलमी U1 की अच्छी बात ये है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है इसकी जो है फोकसिंग में, वो काफ़ी अच्छी थी, डिटेल्स भी फोटोग्राफ में ठीक है, डायनेमिक रेंज और कलर रिप्रोडक्शन को मेजर इंप्रूवमेंट की नीड है मेरे ओपिनियन से। अगर मैं रेयर कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो यार पता नहीं क्या हो जाता है इससे पोर्ट्रेट मोड में, कि जब भी ये बैकग्राउंड को ब्लर करता है, जो हमारे अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूँ ना पोर्ट्रेट मोड में, तो वहाँ पर स्किन को काफ़ी सॉफ्ट कर देता है, काफ़ी स्मूथ कर देता है, कि बंदे ने जैसे फेयर एंड लवली लगाई हुई है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसकी वीडियो की बात करूँ तो यार मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया यहाँ पर Realme ने काम क्या किया। ऑल्दो वीडियो क्वालिटी इसकी ठीक है, बट यहाँ पर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। यार देखो, जो नोकिया 5.1 प्लस है जो कि हीलियो P60 के साथ आता है, उसमें EIS का सपोर्ट है और P70 में EIS का सपोर्ट नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होती। और जिस फ़ोन को आप मार्केट कर रहे हो एज अ कैमरा फ़ोन, उसमें EIS का सपोर्ट नहीं है। दोस्तों जितना मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इसके रेयर कैमरा से, उतना ही मुझे इसका फ्रंट कैमरा अच्छा लगा है। 25 मेगापिक्सल का f2.0 के अपर्चर के साथ ये कैमरा मिलता है, जैसी मर्जी सिचुएशन हो डे लाइट में खास करके ये कैमरा काफ़ी वाइड है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन बिल्कुल ठीक है, स्किन टोन्स काफ़ी अच्छे हैं, ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपको फ्रंट कैमरा में देखने को मिलेगी। और यार ये जो फ्रंट कैमरा है ना, रियलिटी में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, लो लाइट में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफ़ी लाइट गैदर ये कर लेता है, ओवरऑल आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा इसका फ्रंट कैमरा। बट यार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्पेशली लो लाइट में ये जो फ्रंट कैमरा, ये भी स्किन को ना काफ़ी स्मूथ कर देता है, तो यहाँ पर ये जो कैमरा है काफ़ी शार्प है। देन अगेन इसकी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है हल्की सी इंप्रूव की जा सकती है। इसके रेयर कैमरा का जो पोर्ट्रेट मोड है उसकी एज डिटेक्शन ठीक है, ओवरऑल अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इसके फ्रंट पोर्ट्रेट से। अगर मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा से फिर से रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है अच्छी क्वालिटी की है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट देन अगेन यार, आप 25 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स की जगह, अगर आप यहाँ पर EIS का सपोर्ट फ्रंट कैमरा में भी दोगे दैट वुड हैव बीन ग्रेट, बट Realme ने नहीं दिया, रेयर कैमरा में नहीं दिया, तो फ्रंट की तो बात ही छोड़ दो। तो यार कैमरा के डिपार्टमेंट में रेयर कैमरा में से 6.5 नंबर मिलेंगे 10 में से, और जो है इसका फ्रंट कैमरा को वो 9 नंबर मिलेंगे 10 में से। इसे मैंने ब्रेकडाउन इसलिए कर दिया क्योंकि ओवरऑल अगर मैं नंबर कम दूंगा तो यार इसका एक्चुअली में फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा था। और दोस्तों अब मैं ना आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार इंस्टाग्राम पर भी ना भाई को फॉलो कर लो, जो भी हमारे चैनल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं सबसे पहले वहाँ पोस्ट करता हूँ।
और दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना Realme U1 की बैटरी लाइफ की, आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाती है और इस डिवाइस ने मुझे इम्प्रेस किया है। Realme 2 Pro में भी 3500 mAh की बैटरी मिलती थी, बढ़िया 4-4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, बट Realme U1 जो है वो 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे दे देता है। ये मेरा आइडिया, और सबसे अच्छी बात Realme U1 की ये है कि इसका जो स्टैंड बाय टाइम है वो बहुत ही अच्छा है और इसका बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा कम है। इस डिपार्टमेंट में Realme ने बहुत अच्छा काम किया। जो मैंने P60 इनका Realme 1 में टेस्ट किया था उसका भी स्टैंड बाय टाइम काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पर भी Realme U1 में Realme ने बैटरी के डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया। प्रॉपर वन डे बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन है, बट ध्यान रखिएगा आपको ना तो इस फोन में टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, जो कि मुझे मेरे ओपिनियन से मिल जाना चाहिए था, देन अगेन कोई भी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट में इसे 8 नंबर मिलेंगे 10 में से। और दोस्तों उसके बाद अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए ना, तो जो इसके स्पीकर के परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्रिस्प है। मेरे ओपिनियन से थोड़ी सी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते तो ठीक था, बट देन अगेन बजट को कंसिडर करते हुए ठीक है। एंड इसके हेडफोन जैक की क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों इस डिवाइस में आपको सभी इंपॉर्टेंट सेंसर जैसे कि जायरोस्कोप, आपका ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सभी मिल जाते हैं, कोई भी इशू नहीं आपको आएगा। एंड आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट है, वो भी काफ़ी रिलायबल है। आपको जो फ्रंट में इसके कैमरा मिलता है उसके थ्रू आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, जो कि फिर से काफ़ी फास्ट है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी अच्छे से काम करता है। अंत में मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, दोस्तों जो Realme के डिवाइसेज हैं नॉर्मली उनमें आप बूटलोडर अनलॉक नहीं कर सकते, बट Realme 2 Pro में आप जनवरी में बूटलोडर अनलॉक कर पाओगे, जनवरी 2019 में। बट क्योंकि ये डिवाइस MediaTek Helio P90 से पावर किया गया, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कस्टम रोम डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि MediaTek का स्मार्टफोन है। बट देन अगेन अगर Realme इस बारे में कुछ कर पाए तो एक अच्छी बात होगी, बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कस्टम रोम डालना अच्छा लगता है तो आप अपना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं पूरे के पूरे रिव्यू को कंक्लूड करूँ ना, तो मैं ये बोलूँगा कि Realme U1 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको गेमिंग और UI में अच्छी परफॉर्मेंस देगा, UI आपको पता ही है। उसके बाद जो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो फ्रंट कैमरा वो काफ़ी अच्छा, वन डे बैटरी मिल जाती है, बट इसकी वीकनेस ये है कि ये आपको हाथ में इतना प्रीमियम नहीं फील होगा। बट मेजर वीकनेस जो मेरे ओपिनियन से है वो है इसका रेयर कैमरा, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, प्लस इसमें आपको कोई भी टाइप सी या फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं देखने को मिलती है। अगर आपने Realme U1 को परचेज करना है, अगर आपके लिए ये स्मार्टफोन ठीक है, प्लीज़ हमारा लिंक यूज़ करना, चैनल की हेल्प हो जाएगी। अगर आपका अभी भी कोई कमेंट है, क्वेरी है, कुछ भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही था, देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।